सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं, अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह, मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। ज्यादा है, है? अब 19 हो गए, 19 हो गए, बाप रे क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे, एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे, मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहाँ पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे, हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, और घर वालों को भी लगता था तो जी यू लेगा कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था, बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें, मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी, तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका ये बहुत ही बढ़िया है, काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते, हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर आपका अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है, बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने कहानी। मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस, एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं, पूरा मेरे ऊपर पूरा देश नेशन, एस एस आई नेशन, तो ASS ASSI। मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें, वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया, याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।